यमराज के दूत हैं, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अरे जब उन्होंने धर्म की बात की ना, तो भगवान के पार्षदों ने कहा तुम ये बताओ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है और अधर्म क्या है भाई है? तब महाराज यमराज के दूत कह रहे हैं, अरे भाई देखो यह अजामिल बड़ा धर्मात्मा था, ब्राह्मण था। इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने ब्रह्म तत्व को नष्ट किया, छेड़ किया, अपने बूढ़े माता पिता का त्याग किया, अपनी पत्नी पतिव्रता स्त्री का इसने त्याग किया और एक कुसंग में पड़ा है? ये तो बड़ा पापी है, हमें इसे ले जाने दो। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम्हें लज्जा नहीं आती, ये चाहे कुछ भी था पर तुम्हें पता है तुम अब इसे लेकर के नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। इसने किसका नाम लिया है? नारायण का नाम लिया है। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो जाओ अपने स्वामी यमराज से पूछो कि किसको लाना चाहिए किसको नहीं लाना चाहिए। अब महाराज गए यमराज के दूत, यमराज से पूछा नहीं करनी हमें तुम्हारी नौकरी, तुम बोलते मारी अलची आज देखना हम कति मार कह गए। तुम तो कहते हो कि मैं ही सबका शासक हूं, सबको दंड देने वाला हूं, नहीं करनी हमने ऐसी नौकरी, क्या तुम्हारे ऊपर भी कोई है? यमराज ने कहा हाँ, मेरे ऊपर तो परमात्मा है, भगवान है, हैं? उनसे बड़ा कोई नहीं संसार में। कहाँ गए थे? बोला जा मिल क्या, क्यों गए तुम मूर्ख वहां, तुम्हें पता नहीं वो नारायण का नाम ले रहा था, ऐसी जगह मत जाना कभी भी। तो कहा किनको लाना है? तो कहा उनको लाना न जिह्वा, जिनकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती ऐसे लोगों को पकड़ करके लाना। ठीक, इसको लाना जिनकी जीभ भगवान का नाम नहीं लेती है। अब महाराज देखो जो जीभ भगवान का नाम नहीं लेती है ना, वो जीभ पता है किसके समान है? दादुर के समान। दादुर कहते हैं भिकोने मेढक है, है? जन प्रसाद मेढक कन कौन टर 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 कौन है कि नहीं कौन? जो जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती वो जिह्वा मानो महाराज मेढक के समान है। सुंदर घर बना, सुंदर महल बना, लेकिन संतों के चरण न पड़े हो ना तो मानो महाराज वो घर घर नहीं, क्या है? मानो कि सर्पों के द्वारा लिपटा हुआ एक चंदन का ही वृक्ष है, जिसके नीचे अंदर कोई नहीं जा सकता है। ऐसे लोगों को पकड़ के लाना जिनका सर कभी भगवान के मंदिर में जाकर के झुकता ना हो, जिनके हाथ संतों को ब्राह्मणों को प्रणाम करने में लज्जित होते हो, ऐसे लोगों को पकड़ करके लाना या? और जो भगवान का नाम लेते हो ना उनको पकड़ करके मत लाना। इसलिए महाराज इस जिह्वा का हमेशा क्या करें? सदुपयोग करें। ठीक है, नहीं जीव के जन बोलो किसके समान है? मेढक के समान है ये जीव। जो हाथ दान नहीं करते ना वो हाथ हाथ नहीं, क्या है? काष्ट है, लकड़ी के समान है वो हाथ। महाराज अजामिल छूट गया, आज अजामिल को अब प्रायश्चित हो गया कि देखो भाई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मैंने इतने क्या किए, बुरे काम के, बुरे कर्म के, और प्रायश्चित करते करते ही उसके सब पाप क्या हो गए, धुल गए। तो हे राजन परीक्षित, उन नरकों में जाने से बचना है तो नारायण नाम का जो साबुन है ना वही सबसे बढ़िया उत्तम साबुन है, उसी साबुन से नहाना हमेशा। ठीक है, सो सेंट हुआ ना वे भी देते केवल मणि भरा मेल पोगल की है? अंदर का मेल किससे बगेगा? प्रभु कीर्तन से, प्रभु भजन से। महाराज महाराज आगे चल करके परीक्षित महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं, हे सुखदेव मुनि महाराज जी, आपने तो ध्रुव महाराज जी के वंश को आधे रास्ते में छोड़ दिया था। तो कहा कि भाई ध्रुव जी का वंश तो और भी बड़ा है, आगे चल करके इन्हीं के वंश में दक्ष प्रजापति हुई, दक्ष प्रजापति के महाराज 10,000 बेटे हुए। तो दक्ष प्रजापति ने अपने बेटों से कहा